साधन भी तकरीबन करीब ही पहुंच चुका है जो आप देख सकते हैं। इसमें स्टेशन जो अभी तैयार हो चुका है, थोड़ा बाकी बस। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। जो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त खाना बनाने में मसरूफ़ हूँ, और देख सकते हैं ये जी प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने करवा दी हुई है। ये साथ में गोश्त पड़ा है, चिकन। ये किचन के हालात आप लोग देख सकते हैं इस वक्त। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप सब दोस्त सोच रहे होंगे कि ये रोज़ खाना बनाने की वीडियो अपलोड करता रहता है, तो भाई साहब इधर मजबूरी है और कोई चारा नहीं है, खाना तो डेली बनाना ही बनाना पड़ता है। देख सकते हैं सुपर प्याज ब्राउन होने वाले हैं। किचन के हालात आप देख सकते हैं, सफाई बिल्कुल नहीं है सामान्य। ये एक फ्रिज पड़ा हुआ है, ये साथ में अलग अलग चूल्हे कंपनी की तरफ से दी हुई हैं जी। यही परदेसियों की ज़िंदगी है, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हम भी जो है ना बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बड़ा ही मेहरबानी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आए। ये तो रियल लाइफ है, डेली की रूटीन है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये डेली भाई ड्यूटी पे सुबह जाना पड़ता है उठ के टाइम से, पाकिस्तान वाला हिसाब किताब तो नहीं है इधर, तो 8 घंटे ड्यूटी हर सूरत में करनी पड़ती है। बाद में सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, कपड़े वगैरह हर चीज़। ये आप देख सकते हैं ये बाहर का, ये जी अंदर वाशिंग मशीन भी आपको दिखा देता हूँ। ये कपड़े डाली हुई हैं, ये वाशिंग मशीन दे गई है और ये चलते भी इस पेचकस की मदद से, आप देख सकते हैं इसका बटन ख़राब है, ये इधर से ऐसे चलाई जाती है। बाद में ड्रायर तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बाद में कमरे हैं हमारे। ये जी ये वैसे लॉन सा है, इसमें कोई बैठ जाते हैं वैसे गपशप लगाते हैं। और मैं जी नए तरीके से गोश्त बनाना ट्राई कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं प्याज है, टमाटर नहीं डाले, और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप मैं इसमें गोश्त डाल रहा हूँ। ये जी गोश्त डाल दिया जी सारा, जी ये चम्मच की मदद से इसको हिला दूंगा। साथ में मोबाइल है और ये देखिए भी इधर खड़ी नहीं हो रही है। ये हल्की आंच पे रखी हुई आप देख सकते हैं। तो एक दोस्त है मेरा, वो अभी दुकान से लेने गया हुआ है दूध सऊदी अली, इस तरह का सऊदी अली होता है, ये तकरीबन मिलता है इधर 12 रुपये। अभी मैं इसको इधर आप देख सकते हैं लाल गेट से इधर बहुत खुश होते हैं, इसलिए ये मैं देख के वॉश कर रहा हूँ। ये इतना वॉश कर दी, अभी चाय रखने लगा। ये जी मैंने देख ची रख दी, अभी अभी पानी मेरे पास है, एक कप भी वॉश कर लूँगा जिसकी मदद से मैं आपका दूध और पानी डाल लूँगा। ये धो लिया जी, अभी इस वक्त पानी का माप करके यानी डाल दूंगा इसमें। ये जी एक कप डाल दिया, और इधर किचन से बहुत बदबू आ रही है। क्या बना रहे हो? बहुत बदबू आ रही है, किचन से आए करें। ये देख सकते हैं ये बदबू दे रही है बहुत ज़्यादा। तो ये जी मैंने चाय रख दी, तकरीबन एक कप डाल दिया पानी, आज मैं ये चाय भी रख दी है जी।
अभी ये आप पत्ती देख सकते, ये अभी पत्ती डालनी पड़ेगी जी। इधर से भी चूल्हा तेज हो गया इसको थोड़ा, हम आपको रोटली चीनी इसमें डालनी रहेगी ये चीनी, ये भी एक अंदाजे के मुताबिक चीनी भी डाल दी इसमें। शक्कर में एक वाला शक्कर था वो भी नज़र नहीं आ रहा, गायब हो गया है, ये पड़ा हुआ है जी। मसाले डालने का वक्त भी आ चुका है जी। ये मैं टमाटर लेके आया हुआ, ये सब भी आप देख सकते हैं, माजून टमाटर यही डालने लगा हूँ अभी। ये जी सब भी टमाटर भी डाल दिया इसमें, अभी इसमें से इसको हिला लेता हूँ जी। एक बंदा हो तो भी बनाना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है, सालन पकाना मसाला के लिए भी बनाना। तीन चार मसाले आ चुके हैं जी हमारे पास, सबसे पहले नमक डाल देंगे, नमक डाल दिया जी, उसके बाद थोड़े से हल्दी डाल देंगे, हल्दी भी डाल दी, उसके बाद ये सौरभ मिर्च है, डाल दे जी सौरख मिर्च भी। उसके बाद ये हमारे पास है करी पाउडर, ये जैसे नहीं निकलेगा और छोटा इसका सुराख है ये, मैं ये जी मसाले डालने के बाद आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। चाय मैंने बंद कर दी थी, वो बहुत ठंडा है जो मेरे साथ बंदा है, दूध लेते लेते एक घंटा लगा दिया, ये अभी ले के आया है इधर, यही रखा है, यही निकाल लिया दूध, अभी ये आ गया जी दूध, इसको ये खोल लेंगे और एक आपस में डाल लेंगे जी। हाँ जी दूध मैंने अभी डाल लिया, ये देखे कप में एक कप, अभी इसमें डाल रहा हूँ, डाल दिया दूध, सालन भी तकरीबन करीब ही पहुँच चुका है जी, आप देख सकते हैं इसमें अभी तैयार हो चुका है तकरीबन, थोड़ा बाकी है बस, चाय भी गिर रही है जो आप देख सकते हैं। किचन के हालात भी, ये किचन में एसी भी दिया गया है आप देख सकते हैं, ये जी ये देख लें हवा दे रहा है ज़बरदस्त ठंडा, इसको बंद करेंगे क्योंकि फिर ये सालन पकाने में मुश्किल आता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा इसी हमारे चूल्हे की तरफ पड़ता है। इसके साथ ही जी ये सालन तो हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, अब चाय भी तैयार होने वाली है, अभी इंशाल्लाह हम लोग चाय पियेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया।